नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न एंड अर्न विद मी के साथ। तो दोस्तों, अगस्त हमारा मंथ चल रहा है और अगस्त मंथ में ऑलरेडी मैंने आपको 5 शेयर रिकमेंड करे थे, जिसमें से 4 हमारे बाई हो गए थे, 3 में टारगेट अचीव हो गया है ना, और एक हमारा बाई नहीं हुआ था टाटा मोटर्स, और एक IEX अभी चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इसी सीरीज के साथ। नेक्स्ट वीक हमारे फर्स्ट वीक के टारगेट हो गए थे, अभी सेकेंड वीक आ गया है। सेकेंड वीक मीन्स हम लेके चलते हैं अगस्त, पूरा बाकी है। अगस्त में जितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो उसी के लिए आगे मैं आपके पास शेयर्स लेके आया हूँ। तो देखेंगे कि क्या अगस्त में हमारे टारगेट होते हैं, हो पाते हैं, नहीं हो पाते। अगर नहीं हो पाते तो ये निफ्टी 200 के शेयर्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ मेनली, इनको होल्ड करेंगे, होल्ड कर ही सकते हैं मार्केट में। बस हम ट्राई कर सकते हैं कि बीच में जो वॉलीटिलिटी है उसमें मोमेंटम शेयर पकड़ कर उनमें अपना प्रॉफिट अर्न कर सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शेयर जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है जो। तो दोस्तों ये लास्ट, ये मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करा हुआ है, जो आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा। अपने हिसाब से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं, आप डेट देख पाएंगे, 5/8/2022 5 अगस्त को जो हुआ था जो ट्रेडिंग सेशन, उसमें आप देख पाएंगे क्लोजिंग हुई थी 773.10। अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जो था 73.10 था, हाई 73.30 था, 73.3 जो 73.35 हो सकता है। तो दोस्तों IOC में जो हम बाइंग प्राइस लगाएंगे, अपना बाइंग ऑर्डर लगाएंगे, तो GTD ऑर्डर मैं लगा देता हूँ। आपको पहले वीडियोस में देखा, मैं पहले ही ऑर्डर लगा देता हूँ अपना, आज ही लगा दूंगा अभी। तो वो मैं आपको शेयर्स भी कर दूंगा स्क्रीनशॉट उसका। तो IOC को आप देख सकते हैं कैंडल क्या है, आप देखेंगे तो मैं इसको हैमर कैंडल कंसिडर करता हूँ दोस्तों। प्रॉपर हैंडल नहीं मिलता है, मैंने आपको पहले ही बताया, मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट ये मेरे रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकली है कैंडल। और 73 पॉइंट जो इसका देख सकते हैं, 73.30 इसका जो लास्ट हाई रहा है, तो इसी का ही ब्रेक करने का हम इंतजार करेंगे। तो ब्रेकिंग करने के लिए ऑर्डर क्या होगा, 73.35 या 73.40 पे आप इसको GTT ऑर्डर लगा सकते हैं। तो IOC को आप कल परसों जब भी भाई हो, कल के लिए 73.40 का ऑर्डर आप लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रैमको सीमेंट में आप देखिए चार्ट आपके सामने लगा हुआ है दोस्तों स्क्रीन पर, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। लास्ट कैंडल आप देख सकते हैं, कैंडल वही है, विक ज़्यादा विक निकला हुआ है ऊपर, पूरी कैंडल भरी हुई है, ग्रीन है। अगर प्रॉपर हैमर होता तो ऊपर की तरफ ज़्यादा होता, बट ये मैं इसको हैमर ही कंसिडर करता हूँ, या फिर एक बुलिश में मांग लेता हूँ कि मेरा ये रेजिस्टेंस जो है इसने ब्रेक किया है। और इसका हाई रहा है 760, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहा है 756.80। तो 760.05 रैमको सीमेंट का बाइंग हम कर सकते हैं। अगर कल ये ब्रेक हो जाता है 760 तो हम इसको बाई कर लेंगे। तो 760.05 पे मैं रैमको सीमेंट का ऑर्डर लगा रहा हूँ दोस्तों, आपको रिकमेंड भी करूंगा। और आप बाई करिए, नीचे ही बाई मत बाई करिएगा, 760.05 आता है, 760 ब्रेक होता है तो ही बाई करना है, अदरवाइज बाई नहीं करना है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो शेयर है इंडिया मार्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस की है जो मेरी लाइन है, इसके ऊपर एक ट्रेडिंग सेशन हो गया है, एक मूव हो गया था 4500, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वही हैमर कैंडल टाइप ऑफ कैंडल है। आप इसको अब धीरे धीरे पहचानने लगेंगे अगर वीडियो देख रहे हैं तो। इसके बाद आप देख सकते हैं, आप खुद से भी इसको देख सकते हैं कि हैमर क्या होता है, उसके बाद क्या मूवमेंट है। एक ये जो मार्केट है पूरी प्रोबेबिलिटी पे चलता है दोस्तों, एग्जैक्टली कोई नहीं कर सकता प्रिडिक्ट कि प्रॉफिट होगा नहीं होगा, बट आप जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैक्सिमम कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों लास्ट जो 5 तारीख का जो था ट्रेडिंग प्राइस, लास्ट जो हाई गया है 4600.55, क्लोजिंग थी 4573.60। तो 4600.55, तो 4600.60 मतलब जैसे ही 4600.55 ब्रेक होगा तो 5 पैसे वो ऊपर ब्रेक होगा, तो 4600.60 पे मैं इसका GTT ऑर्डर लगा दूंगा। आप GTT नहीं लगाना चाहते, अगर आप GTT लगाना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो डाल दूंगा दोस्तों लिंक में कि GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ऑलरेडी आप देख सकते हैं मैंने बताया हुआ है। नहीं है तो आप नॉर्मली बाय कर लीजिए, GTT बेस्ट रहता है मुझे, मैं वो इसको ही लगाता हूँ दोस्तों। तो इंडिया मार्ट 4600.60 पे। नेक्स्ट जो शेयर है पीटी लाइट इंडस्ट्रीज, शेयर्स को सभी लोग जानते हैं, और आप देख सकते हैं ये हैमर, ये क्लियर हैमर लिख रहा है, ऊपर हल्की सी छोटी सी विक है, बट वैसे आपको हैमर पूरा क्लियर दिख रहा है। तो दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस है 3245.30 और हाई था 3263.85। तो 3263.90
या 3264 पे आप इसको बाइंग कर सकते हैं, उससे नीचे मत करिएगा बिल्कुल भी दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट शेयर है टाटा कम्युनिकेशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया हुआ है दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है। और टाटा कम्युनिकेशन की जो कैंडल है आप लास्ट कैंडल देख सकते हैं, बुलिश मरबजू कैंडल है, विक थोड़ा सा निकला हुआ है, पूरी भरी हुई होती तो बुलिश मरबजू होती। इसके बाद बुलिश हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि होगा, क्लोजिंग प्राइस था 1101.35, हाई हुए 1108, तो इसका जो हम लगाएंगे जीटीटी ऑर्डर 1108.05 पे। तो दोस्तों अगस्त के लिए नेक्स्ट मंथ जो शेयर्स हम देख सकते हैं, 5 शेयर मैंने आपको बताए हैं, टाटा कम्युनिकेशन, पीआई इंडस्ट्रीज, इंडिया मार्ट, रिलायंस रैमको सीमेंट एंड आईओसी। तो दोस्तों देखते हैं कल क्या हमारा क्या बाय होता है, आगे क्या रहेगा, आप अपने आप से अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं, जो अगर आपको अच्छा लगता है आप उसी हिसाब से बाय कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहे मेरे चैनल के साथ, प्लीज लाइक शेयर एंड